आइए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने पूर्ति और पूर्ति के नियम के बारे में विस्तार से जाना था, चर्चा किया था। आज के क्लास में हम लोग पूर्ति की लोच के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ति की लोच क्या है या पूर्ति की लोच से आप तो बहुत पहले आप सबको शायद बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं और शायद आपको याद भी है कि लोच का मतलब परिवर्तन, लोच का मतलब झुकाव होता है। लोच का मतलब क्या होता है? झुकाव। तो प्रश्न है कि पूर्ति की लोच का अभिप्राय क्या है, पूर्ति के लोच का मतलब क्या है और पूर्ति के लोच का अर्थ क्या है। गलती की सही है। तो पूर्ति के लोच को जानने से पहले पूर्ति के नियम को एक बार मैं बोल देता हूँ, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ बात है। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कम कीमत पर कम पूर्ति, अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति, मतलब ज्यादा कीमत पर ज्यादा। मतलब यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। इसी को हम पूर्ति के नियम के नाम से जानते हैं। पूर्ति की लोच कहता है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। मतलब वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब कम होना भी ज्यादा होना। वस्तु की कीमत में परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलाव बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में, कीमत घटा तो कितना पूर्ति की मात्रा घटी और कीमत बढ़ा तो पूर्ति में कितनी वृद्धि हुई, उसी को बताने वाला जो नियम है उसे हम पूर्ति की लोच के नाम से जानते हैं। अब होगा तो सर पूर्ति की लोच की परिभाषा क्या, सूत्र क्या है? तो अगर पूर्ति के लोच से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपको बनाने के लिए कहे तो यहाँ सीधा सा सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और कई बार दो नंबर में प्रश्न डाल भी देता है कि पूर्ति के लोच के सूत्र को लिखे, या एक नंबरी में लिख देगा इसमें पूर्ति के लोच का सूत्र कौन सही है। गलती की सही। तो क्या होगा? वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, और मांग वाला में ऐसा ही था कि वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। गलती की सही। सेम एक याद करो दोनों हो जाएगा। वहां मांग वाला में मांग लिखना, पूर्ति वाला में पूर्ति। पूर्ति के लोच का सूत्र है वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। अच्छा, अनुपातिक परिवर्तन को हम प्रतिशत परिवर्तन लिखे तो आपको दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु के कीमत में, तो जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अनुसार इसको आप सूत्र पर डालोगे आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न है तो पूर्ति की लोच की श्रेणी, पूर्ति के लोच की श्रेणी मतलब पूर्ति के लोच के कितने प्रकार। देखिए दो नंबर का प्रश्न तो यहीं याद कर लो। यदि दो नंबर पूछ दे कि पूर्ति के लोच के प्रमुख प्रकार कौन कौन है, पूर्ति के लोच की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन है, तो बड़ी आसानी से आप उत्तर लिख सकते हो कि सर पूर्ति के लोच की पांच श्रेणियां हैं। पूर्ति के लोच की कितनी श्रेणियां हैं? पांच है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, या बेलोच पूर्ति भी कहते हैं। आप पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, मतलब पूर्ति के लोच के कितने प्रकार हैं? पांच प्रकार हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, या बेलोच पूर्ति, या पूर्णतः लोचदार। आइए एक एक करके सबके बारे में चर्चा करें, सबके बारे में जानें। कहता है कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति क्या है? प्रश्न क्या कहा? पूर्णतः लोचदार पूर्ति क्या है? तो कहता है कि जब कीमत में परिवर्तन न होने पर या बहुत कम होने पर, जब कीमत में परिवर्तन न होने पर या बहुत कम होने पर पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हो जाए। मतलब एक शब्द में कीमत में कम या न्यूनतम परिवर्तन पर पूर्ति में
ज्यादा परिवर्तन। कहता है कीमत में परिवर्तन क्या हो, बहुत कम हो या नहीं हो, लेकिन पूर्ति में क्या हो जाए, ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी पूर्ति को हम क्या कहेंगे, लोटदार पूर्ति के नाम से। जैसे हम एक इसको रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर वाई ओ एक्स, आप जानते हैं कि वाई ओ अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं और यहाँ पर पूर्ति को दर्शाते हैं, पूर्ति की मात्रा, गलत सही। कहता है कि वस्तु की कीमत है मान लो पांच, कितना है पांच, पांच प्रति का कीमत है, तो यहाँ पर वस्तु की पूर्ति है मान लो पंद्रह, कितना है पंद्रह, परिवर्तन थोड़ा हो, परिवर्तन क्या हो थोड़ा, मतलब थोड़ा कहने का मतलब हो गया कि हमें पांच रुपया दस पैसा या चार रुपया नब्बे पैसा, बहुत थोड़ा हुआ भाई, या इसको हम लिख सकते हैं चार रुपया निन्यानवे पैसा, गलती की सही। तो कहता है कीमत में न्यूनतम परिवर्तन लेकिन पूर्ति में क्या हो, पूर्ति में क्या हो जाए, रेखा यही रहेगा, क्या रहेगा पांच वाला नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, देखा बढ़ जाएगा, गलती की सही सही है सर। इसी लाइन पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हम इसी में बढ़ा दिया सीधे भी, तो कहे आगे पीछे दिमाग लगाने जाए, जब वो लकीर खींचबो करेंगे तो अंतर स्पष्ट दिखेगा ही नहीं करेगा। तो कीमत में बहुत थोड़ा परिवर्तन हो या नगण्य परिवर्तन हो लेकिन पूर्ति क्या ज्यादा बढ़ जाए, इसे क्या कहेंगे, लेकिन याद रखे मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का बात हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता ही नहीं है, इसका कोई उदाहरण नहीं है, है क्या ऐसा उदाहरण हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को, वास्तविक जीवन में देखने को कि नहीं मिलता है कि दाम उतने हैं एक बार उत्पाद पूर्ति बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेसमैन दाम बढ़ता है तभी स्टॉक से सामान को बाहर निकालता है, न तो वही दाम पर तो कदर और दम भरो, नष्ट होने वाला है तब जाके कुछ छील आता है। दूसरा कहता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, क्या है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक हो, मतलब इकाई से अधिक, यहां सीधे हो गया कीमत में कम परिवर्तन आपूर्ति में ज्यादा परिवर्तन, इकाई से अधिक माने एक से ज्यादा, इकाई से अधिक मतलब क्या हो गया, माने कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है ओकरा तुलना में पूर्ति में क्या हो, ज्यादा परिवर्तन हो जाए, कीमत में जो बदलाव हो रहा है उससे ज्यादा बदलाव किसमें हो जाए, पूर्ति में। जैसे मान लो इसका चित्र वाई ओ एक्स, मान ले आपको पता वाई ओ अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं और ओ एक्स अक्ष पर हम पूर्ति को दर्शाते हैं। मान लो प्रारंभिक कीमत पांच था, पांच पर डिमांड पूर्ति कितनी थी पंद्रह इकाई, पांच पर पूर्ति कितनी थी पंद्रह, क्या कहता कीमत में कम परिवर्तन, कीमत में मान लो कीमत बढ़कर हो जाता है कितना, छह, कितना हो गया कीमत एक रुपया क्या हो गया बढ़ गया, तो कीमत बढ़ गया तो पूर्ति की मात्रा बढ़कर पच्चीस कितनी हो गई, सीधा कहता है कीमत में कम परिवर्तन लेकिन पूर्ति में क्या हो, यहाँ कीमत एक रुपया ना बढ़ा, गलती की सही, इसे क्या कहेंगे, इकाई से अच्छा ये कहता है, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखते थोड़ा सा आपको समझना है, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई मान एक के बराबर, इकाई लोचदार का मतलब क्या हो गया एक के बराबर, कहता है
जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा हो उसी दर से क्या हो, पूर्ति में परिवर्तन, मतलब जिस दर से कीमत में क्या हो रहा हो, उसी दर से क्या हो रहा हो, क्या कहेंगे उसे, इकाई मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। जिस दर से कीमत में क्या हो रहा हो, अगर उसी दर से क्या कहेंगे, इकाई मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। प्रशांत कुमार खड़ा हुई है, इकाई लोचदार पूर्ति का परिभाषा बताइए हमको। नींद में नहीं थे, बतिया रहे थे, ये और अमन बतिया रहे थे, हम अमने को खड़ा कराने में थे, कन्ना बजे क्लास चलाई छो इतना वही छो कथी बोले सुबह बैठिए ननु भाव ना काम चलेगा। आप सोचते हैं कि सर जी खाली डांटे करते हैं, हम कुछ सोच के ना पकड़ते हैं, तुम्हारे सामने तो देख के बोल सकता था कि काई लोचदार पूर्ति का मतलब जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा हो, पूर्ति में परिवर्तन हो, इसके लिए ब्रेन को यहाँ रखना पड़ेगा ना। मुझे इंसान अपने कर्म से महान होता है, जन्म से महान कोई नहीं होता। अब यहाँ बैठे हैं तो बॉडी प्रेजेंट है, ब्रेन अब्सेंट है, कहना पड़ा होगा। जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कल से पढ़ना होगा तो नीचा बैठना ऊपर बैठेगा तो भगा देंगे, सबको बोल रहा हूँ। जगह मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर ऊपर बैठता हमको दिखता नहीं है। जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा हो उसी दर से पूर्ति में परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे, इकाई। अब देख बाबू, पहले कीमत था पांच, तो पांच पर पूर्ति था पंद्रह, पांच पर पूर्ति था पंद्रह। अच्छा, कीमत बढ़कर हो गया पांच रुपया पचास पैसा, कितना हो गया, तो पूर्ति बढ़कर हो गया बारह, बारह पॉइंट पांच, गलती की सही, मतलब देखिए ना यहाँ पर 10% दाम बढ़ा तो पूर्ति भी 10% बढ़ा। अब हो गया ना 17.5 हो जाएगा, गलती हमसे हो गया था। मतलब जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा, मान लो यहाँ पर पूर्ति घटकर हो गया, मतलब कीमत घटकर हो गया, मान लो ठीक हम चार कर लेते हैं, तो मोटा मोटी पांच का चार कहे परसेंट होगा, 9% के आसपास हो जाएगा। पांच रुपया का सामान था, 4 रुपया मिल रहा है, कई परसेंट की बटा, 20%। अच्छा, तो मान लो 20% हुआ, मान लो 20 होगा कंफर्म। अच्छा देखो ना, तो मान लो दुकानदार है भी, पांच के दाम था घट के हो गया 4 रुपया, मैंने 1 रुपया घट गया, तो प्रश्न का 20% गिरा, तो 15 का 20 15 3 रुपया गिर जाएगा इसमें से, 20% गलती के सही। मतलब जिस दर से कीमत घट पर में परिवर्तन हो रहा है, घटने चाहे बढ़ने में, उसी दर से पूर्ति में ही परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे, शुरू में ये देते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो देना ही पड़ेगा आपको, एस हाँ एस एस सप्लाई के लेकर मांग का लोच वाला में डीडी लिखना पड़ेगा, डिमांड यहाँ पूर्ति है तभी एस एस लिखना पड़ेगा। गलती की सही, इकाई से कम, इकाई से मतलब एक से कम मतलब जितना कीमत में बढ़ोतरी हो रही है उससे कम पूर्ति बढ़ रही है, यही ना होगा, तो नाम से ही कह रहा है इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोच बिना लोच वाला, इकाई से कम लोचदार या क्या कहेंगे बेलोचदार भी कह सकते हैं। कहता है कि जब किसी वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम हो, ये कहना चाहता है कि
कीमत की तुलना में किसमें कीमत की तुलना में मैंने जौना दर से कीमत घट रहा है ना उससे कम दर से पूर्ति बढ़े कीमत की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन थोड़ा शॉर्ट किए हैं जगह के अभाव में कहता है कि जिस दर से कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे कम दर से उससे क्या हो कम दर से पूर्ति में परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे बेलोच पूर्ति या इकाई से कम दर पूर्ति कीमत की तुलना में पूर्ति में क्या हो कम परिवर्तन हो। हम इसी चित्र को थोड़ा सा यहाँ मिटाएंगे पूरा मिटा देते हैं क्या दिक्कत है छोटा सा चित्र बना के आपको बताया जा सकता है यहाँ पर वाई ओ एक्स क्या जी यहाँ पर जान ही रहे हैं पी यहाँ पर एस पी फॉर प्राइस एस फॉर सप्लाई पी फॉर प्राइस एस फॉर सप्लाई यहाँ क्या कह रहा है कीमत की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन yes, मान लो कीमत यहाँ था 10 रुपया मान लो कीमत क्या था 10 रुपया तो 10 रुपया कीमत पर यह 85 इकाई का डिमांड करता पूर्ति कितनी थी कीमत 10 है तो पूर्ति कितनी थी मान लो कीमत में परिवर्तन हो गया कीमत में कितना हो गया कीमत बढ़कर हो गया 15 कितना हो गया 5% हुआ 50% हो गया लेकिन यह यहाँ 65 हो गलती सही यहाँ तो 50% हो गया लेकिन इसका 50% तो 75 ना होता लेकिन 65 है 50% का मोटा मोटी 35-40% के आसपास हुआ। तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे कम अनुपात में पूर्ति में क्या हो परिवर्तन उसे क्या कहेंगे इकाई से कम लोचदार पूर्ति अपूर्णता बेलोचदार पूर्ति क्या है दाम घटे चाहे दाम बढ़े लेकिन पूर्ति पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा दाम घटे या इससे मतलब नहीं है जितना पहले डिमांड होता था अब भी उतना ही सप्लाई होगा मतलब इसका परिभाषा हम ले सकते हैं यहाँ पर कीमत की तुलना में पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा मैं भी वही लिखूं। हम आपको समझा रहे हैं हम विद्वान उत्तम का राइटर थोड़ी नहीं कि हम सीधे हूबहू लिख देंगे सबको समझना है हम उसके बाद को समझकर अपने तरीका सबको बता रहा हूँ। क्या कहता है पूर्णता बेलोच बेलोच पर ना झुकने वाला हमने उदाहरण दिया था उस दिन कोई झुकने वाला नहीं क्या कुछ ऐसी वस्तु है कीमत कितनों घट जाए क्या शिव शिव है अगर नमक घट जाए कोमल है अगर नमक का कीमत गिर जाए तो नमक खा के ही जीवन यापन कर लेगी पानी पिएगी नमक है ऐसा कैसे एक बार की कहा बात है इस पर कह रहे हैं सर पहले नाम नहीं दोनों को कह दिया हूँ दोनों को कह दिया हूँ एक बार की कहानी है एक आपके जैसा श्रीमान उतरा अब कहा कि चलो मरवाड़ी भाषा में भोजन करते हैं बोर्ड पर लिखल था चावल लेने पर पैसा लगेगा दाल सब्जी का कोई पैसा नहीं है कहा कि भाई साहब आधा प्लेट चावल दो प्लेट आधा प्लेट चावल दो कहा कि फुल प्लेट 25 रुपया आधा प्लेट 15 रुपया बुद्धि लगा दिया कि दाल सब्जी तो फ्री है ही आधा प्लेट चावल या 7 कटोरी दाल और 5 कटोरी सब्जी लेके खा गया दुकानदार कहा कि महाराज अगला दिन मेरा ये कहना है कि जो फ्री हो नमक हो हमने कहा शिवू ध्यान देना है नमक अगर कितनों दाम बढ़ जाए या मंगनी में देने लगे फ्री में देने लगे तो महीना में 1 किलो खाते हैं तो 1 किलो ना खाओगे क्या यादव 2 किलो खा ले देखो ये भी यादव जी है जो कहेंगे ना सर 2 किलो खा ले 1 प्लेट के बजाय 2 प्लेट
ये देख लो यहाँ पर क्या कहानी चलेगी, यहाँ पर प्राइस होगा और यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई होगा। मान लो प्राइस यहाँ था 10, नमक 10 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है हम 20 कर देते हैं, टाटा का नमक हमें 20 रुपए किलो देता है, मान लो हमको ठगता है, चलो हमको चिंता है इसमें 20 में देता है। अब मान लो कीमत घटकर 5 रुपए हो जाता, सप्लाई जो होगी अगर महीना में हम 5 केजी खाते हैं तो 5 केजी खाते, अगर कीमत फ्री हो जाए, कीमत क्या हो जाए वो के बराबर शून्य मान लो, तैयो 5 किलो खाएगा, लेकिन कीमत घट कर बढ़कर 50 हो जाए, क्या हो जाए, इसमें ही रखा में जाएगा, क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ा, क्या सुधीर, सुधीर तो ज्यादा खा सकता है। आगे बढ़ूं, ये सारे टॉपिक हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब कहा तो पूर्ति को के लोच को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले, शायद समझ में आ गया होगा कि पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सबसे पहला कौन है, वस्तु के प्रकृति, क्या है, देखिए तो पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु दो प्रकार की होती है, वस्तु क्या प्रकार की होती है, अगर यहाँ हम ले ले तो वस्तु दो प्रकार, एक होता है टिकाऊ, एक है शीघ्र नष्ट होने वाला, वहां मांग के नियम पर चलेगा वो बात, लेकिन यह पूर्ति न है, वस्तु न है, तो यहाँ वस्तु दो प्रकृति का होता है, एक ऐसा जो एक बार खरीदो चलेगा साल भर में जल्दी खराब होने वाला, तो टिकाऊ वस्तु की जो पूर्ति होती है लोचदार होता है, दाम बढ़े घटेगा तो लोग बेसी खरीद के स्टॉक कर देगा, क्या बाल में चावल बासमती का रेट गिर जाए, अभी कोई कह दे कि 3000 रुपये किलो दे रहे हैं, बहुत ठहरो आते हैं दुकान खरीद दुकान खरीद लेंगे, गलत के सही, लेकिन शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है क्या, दूध है, दही, मछली, फल, गलत की सही, हरी साग सब्जी, हाँ अगर मान लो आधा दाम में देने लगे तो थोड़ी ना कि पूरा ठेला भरा घर पहुँचा दे, पता चलेगा दूध का सब फड़िए जाएगा। तो जो टिकाऊ वस्तु होती है लोचदार होती है, और जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु उसकी प्रकृति बेलोच होती है, उतने खरीदेंगे जितना की जरूरत है, तो वैसे फड़िए जाएगा, गलत की सही। वस्तु का उत्पादन क्या होता है, वस्तु का उत्पादन पूर्ति का नियम कहता है कि जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा होगा उसका उत्पादन भी क्या करता है, तो उत्पादन ज्यादा मांग ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, अगर मान लिया कि वस्तु की डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, देखेंगे कुछ ऐसे सामान है जो मार्केट में मिलता है बहुत कम दाम में, दुकानदार एक बार खरीद के लाता साल भर ही रखता है, बिकाता जल्दी नहीं तो दाम बहुत महंगा लेके बेचेगा, क्योंकि एक ही आदमी से बेच के पूरा नफा कमा लेता है। जैसे हम बल्ब का दाम कर ले, पहले टॉर्च में बल्ब आता था, एक बल्ब का कीमत पड़ता था 25 पैसा, टॉर्च बल्ब, हाँ, लेकिन बिकता था 4 रुपये 5 रुपये, क्योंकि एक पेटी में कई गो निमन निकलेगा कई गो खराब, चाइनीज बैटरी की तरह, की कोई गारंटी नहीं है, 15 रुपये एलईडी बल्ब के दाम कहते हैं, कंपनी जो वारंटी देता है, रियल में का दाम है ये कम है, आपको 4 गुना 5 गुना दाम बढ़ा दिया, वो लेबल लगा दिए हुआ है, ये फ्यूज होगा तो साल में 2-3 गुना होगा, गलत की सही, वहाँ जो बल्ब लगा था 2 साल 40 रुपये बल्ब खरीदे लगातार, कभी कभी कंपनी भी बेवकूफ बनती है, हाँ बनाने आना 40 रुपया का बॉल खरीद के लगाए थे, हमको लगता है कि 3-4 साल से चलते रह गया, नहीं प्योर जल्दी फ्यूज होता है कभी कभी, हाँ कभी कभी तो ओरिजिनल आज लाओ 4 दिन बाद फ्यूज हो जाता है, होता है हम देखे डेट बदलाते हैं, अभी
कीमत में परिवर्तन, भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की संभावना हो या घटने की संभावना हो, भविष्य में दाम घटने बढ़ने वाला हो तो यहाँ पूर्ति प्रभावित होता है, दाम बढ़ने वाला हो तो लोग पूर्ति कम कर देगा, और दाम घटने वाला हो भविष्य में तो पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि स्टॉक में रहेगा तो घटा ना होगा। भविष्य में अगर दाम बढ़ने की संभावना हो तो लोग मार्केट में पूर्ति नहीं बढ़ाएगा, क्या नहीं बढ़ाएगा, ये सौर भाव बढ़ देगा तब बेचेंगे बेसी लाभ कमाएंगे, और दाम भविष्य में घटने वाला है तो तुरंत स्टॉक से निकाल के बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि पैसा तो निकल जाए। बड़े बड़े कंपनी जो सेल लगाते हैं यही कारण होता है, जब नया स्टॉक माला से लगा के बेचो यही निकल जाए। प्राकृतिक बाधाएं, प्राकृतिक बाधा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, अकाल, ये सब जो आता है ना, ये भी आपको पूर्ति के नियम को प्रभावित करता है। जैसे मान लो बहुत बड़का भयंकर बाढ़ आने वाला है, जो चावल चूरा का ये सब साइज है स्टॉक कर देगा, खूब कमाएंगे मालिक साहब, उसको मानवता से लेना देना नहीं, उसको अपने पॉकेट की ऊंचाई से लेना देना है, अलग है इस साल तो कुछ होने ही वाला नहीं है, भाई सप्लाई करते जाओ। नहीं, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की तकनीक प्राचीन है और डिमांड ज्यादा है तो लगातार मिल को चलवाएगा, गलत की सही, क्योंकि एकाएक अगर लगन का समय आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा तो क्या करेंगे, आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मशीन से करना है तो जब दाम बढ़ेगा तो अभी स्टॉक धीरे धीरे करो, डिमांड होगा रात रात बढ़ा देंगे। जोखिम सहने की क्षमता, जिस वस्तु जोखिम सहने की क्षमता है अगर आप में, शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा होता है, शेयर मार्केट में तुरंत उतार चढ़ाव होते रहता है, जोखिम सहने की क्षमता है तो रिस्क लो, जोखिम सहने की क्षमता नहीं है तो जिस हार्ट अटैक से कितना मर जाता है। सही बोला। और समय भी मांग पूर्ति के लोच को प्रभावित करती है, समय तीन प्रकार का होता है, अति अल्पकाल समय, समय कितने प्रकार के होते हैं, समय तीन प्रकार के होते हैं, अति अल्पकाल, दूसरा क्या है, दीर्घकाल। देखो तो अति अल्प, अति माने बहुत कम, बहुत छोटा पीरियड, एक दिन से लेकर 7 से 15 दिन तक की बीच अवधि होगी, गलती की सही। अति अल्पकाल में कितना दाम बढ़ेगा पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं, गलती की सही। अल्पकाल में पूर्ति को थोड़ा मात्रा में बढ़ाया, क्योंकि इसका समय 15 दिन का होता है, और दीर्घकाल में तो मस्त टेक्नोलॉजी बदल देंगे, पूरा मशीनें बदल देंगे, नया कारखाना खोल लेंगे, दीर्घकाल 3 साल से 5 साल का समय होता है, हम जो चाहेंगे सो कर सकते हैं वहाँ। तो समय तत्व भी पूर्ति को प्रभावित करती है, यदि अल्पकाल का समय होगा पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है, अति अल्पकाल में, अल्पकाल का होगा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में तो जितना तुम डिमांड करो ना कि हमको 12 महीना के बाद इतना लाख सामान चाहिए, 12 महीना बहुत लंबा समय होता है, अमेरिका का चंद्रमा पर से खरीद के ले चलेंगे अगर सामान वहाँ बने तो कहीं से भी लाया जा सकता है। ये था पूर्ति और पूर्ति के लोच।